इस पिंड च मैं जन्म लिया पर इत्थे मेरी जिंदगी दे गुजरे हुए दिन मेरे लिए ख्वाब ही हो गए ने। इस पिंड दियां बदलदियां रुत्तां च मैं किन्नी मेहनत कीती, फसलां मेरे कद बराबर आईयां ते जिन्हों मैं प्यार कीता वह भी सुहाग दी मेहंदी ला के मेरे घर आ गई सी। नीदा जी जरा तो उठ जी, कितने कर दिए छोड़ो मैं। तेरे जी बीवी ने छोड़न तेरे रू नहीं करता। तन और कोई काम नहीं है ना? इस तो बढ़िया काम और कड़ा हो सकता? छोड़ो मैं, जीनू आ जाएगी जे तू मेरा साथ दे। जैसी दोनों रल के जीनू का विवाह कर दी है उन डोली पा दी। तेनू की है जीनू? तेरी इज्जत नो नजर लगी वे सिमीदार के पुत्र ने मेरी इज्जत। जीनू मैं ते तेनू शगना दी डोली च पाना सी। जीनू तू कितने टुर चली है? तू कितने टुर चली है मेरी भैन? तू कितने टुर चली है? जिमीदारा सुल्तान? सुल्तान नहीं, अपनी मौत आ होए। मैनू ना मारी सुल्तान। तुसा साड़ी बड़ी रात पीती है, असा ताड़ी बड़े दिन इज्जत कीती है, असी ताड़ियां पैना दे प्रा बने हैं, और तुसी साड़ियां पैना दे प्रा क्यों नहीं बने? दस्से आज तो बाद जेड़ा भी किसे गरीब की इज्जत वाल मेरी अख वेखेगा ओदी मौत भी तेरे वांगू आएगी बेगैरता। थोड़ा की सोच रहे हैं सरदार? कुछ नहीं, घोड़े वापस ले चलो।
तानू तानू ते तानू सुल्तान डाकू नू गिरफ्तार करने की ड्यूटी सपर्द की थी, लेकिन तुहाडी हर नाकामी ने सुल्तान डाकू के हौसले होर बढ़ा दिते ने। इतला दे कि डाका मारना उहदा मामूल बन गया। क्या महकमा यह एतराज कर ले रहे कि एक डाकू नू गिरफ्तार करना साडे इख्तियार तो बाहर है? सर गुस्ताखी माफ, इस आजमाइश विच पहन लई मैं अपनी खिदमत पेश करना। आर यू श्योर? सर मैं तुहानू यकीन दवाना कि अगर मैं सुल्तान डाकू नू गिरफ्तार ना कर सकिया तो मैं नौकरी छड़ देंगा। ओके इंस्पेक्टर लेट्स सी। ओ मेरा पुत्र आ गया, मेला देखा है पुत्र? क्यों मैं कहनी संभालो अपने पुत्र। मेरा पुत्र तो बड़ा चंगा है, इन्हें मेरी जान खा मारी है। कभी यह ले दियो कभी और ले दियो, एक नादर का पुत्र है कि चुपचाप इन्ना टूटा रहे। क्यों पुत्र मान तंग किया? मैंने मशीन अपने नाल खा लिया। कितने लेने से? मेरा पुत्र मेरा नाम रोशन करेगा। अच्छा पुत्र तुझे इतनी बैठो कि मैं उन्हें आता। अब मुझे नहीं करना जाऊँ। पुत्र मैं काम चल रहे हैं। डाका मार। बाजी मैं ही करना डाका मार जाऊँगा। मैं अपने पुत्र को पढ़ाऊंगा, पेपर लिख के बड़ा बड़ा आदमी बनेगा। मैं मर गया। सरूच जोरदार कुट है सर, ताप चढ़े ते कमड़ी लगी सर च बड़ी पीड़ हो रहे। ऐसा मतलब है कि तू साड़े नाल डाका मारन ले नहीं जाएगा? तुसी आप रख लो, मैं किस तरह जा सकना? ठीक है, जबरू शहर रस्ता लैन ली गया है, अजे तक नहीं आया। शहर च पुलिस की बड़ी सख्ती है, मैं डर है कितने फड़िया ना क्या हुए। मैं नहीं फिक्र मानता, पुलिस तेरे साथी नहीं फट सकती। सरदार क्यों आ गया जी? बंदा तेरा हो तो पुलिस फड़ लवे। ऐ वे कारतूस देसी माल नहीं वलैती माल। शाबाश जबरू, मेरे साथी मेरे बाजू ने, तू उन्हें ताकत है। मैं तेरा खादमा सरदार। साथियों तैयार हो जा, आज जैसी सेठ खुदा बख्शती नींदर हराम करनी। सरदार की खबर ले हैं? आज चौकस होकर डाका मारे, तेरी गिरफ्तारी ले इंस्पेक्टर मुजफ्फर की ड्यूटी लगी हुई। इंस्पेक्टर मुजफ्फर बहादुर आदमी है, सामने आया डाका मारन का स्वाद आ जाएगा। आओ मेरे नाम। जबरू इथे बड़ी चुप है। मैनु इंज लगदा सरदार, तेरी चिट्ठी मिलन तो बाद सेठ नू पुलिस बुलाने दा हौसला नहीं पिया। कदी कदी खामोशी च बड़े वड़े तूफान छुपे होंदे ने, ते इस तूफान दी आड़ च दुश्मन वार भी कर सकता है। तू इथे चुकन्ना होके रहो, ध्यान रख ते असी आने। दी खबर सुन के ए सौ ते नहीं गए? सौ नहीं सकते सरदार, साथ उठ के पैर। सुल्तान पुलिस ने सारी कोठी नु घेरे च पा लिया, अपने साथियों कह दे के हथियार छुट देन। बत्ती बाल के तू सुल्तान नु गिरफ्तार नहीं कर सकता इंस्पेक्टर, मेरी गोली तो बच के वापस चला जा।
बहुत पुराना सुल्तान पुलिस मुकाबले च मारिया गया। सुल्तान मारा गया? वो मारिया क्यों ना जाता, मैं कारतूस ही फोके लिया सर, वो पुलिस मुकाबला नहीं करता। हम मेरा काम बन गया, तू जा। खबर सुन ली, मैं बीमारी का बहाना बना के पीछे रह गया था। सरदार कितने? सुल्तान मारा गया। सुल्तान मारा गया मैं तो जीना वा। तू? हाँ, मैं अपनी बीवी के मरण के बाद मैं तीनों फेर फेर के जिंदा रहा, सुल्तान के मरण का इंतजार करता रहा। कौन मर गया? और तू मेरे घर नहीं, सुल्तान जिंदा है यार, ते रूप बुजदिल दुश्मन, मैं तेनू कभी माफ नहीं कराऊंगा। जो तू हूं वार किया तो मैं तो कम कर दूंगा। मेरे पुत्र नू छड़ दे नादर, मेरा हाथ भी तेरे कलेजे च पै गया, छड़ दे मेरे पुत्र। जा पुत्र, दुश्मनी तेरी ते मेरी है, तू गद्दार है, गद्दार की सजा माफ है। सुल्तान अपने साथियों समेत बाहर आके गिरफ्तारी दे दे, नहीं तो यह सड्डे उड़ा दिता जाएगा। मैं दस तक गिनांगा, सुल्तान साथियों समेत बाहर आ जा। चुप कर जा पुत्र, रब करो दुश्मन की जिंदगी मंग, तेरा इंतकाम मैं। तू बच्चे लैके कश्ती च बैठ जा, ते मैं रस्सा खोल गया। कानून के हवाले कर दे।
तू बच के नहीं जा सकता। मैं मजबूर हूं सुल्तान, मैं मजबूर हूं। मैं किसी की बेगम शेगम नहीं, मैंने तो एंजेला से तुम मेरे ना शादी नहीं की, बल्कि मेरे वारन कटा के फड़ ले आए। बेगरी गलत है, सुन नहीं सुननी। मैं तो सुननी पड़ेगी, तू सुनेगी तो खुश हो। बेगम आज सब रात है ना, एक खुशखबरी है, आज मैं सुल्तान डाकू नु खत्म कर देता है, हुन मैनु तरक्की मिलेगी। इंस्पेक्टर तो डीएसपी, डीएसपी तो एसपी, एसपी तो डीआईजी, देन देन मैं आईजी बन जाऊंगा। सर जी की गल है, तुम्हें आईजी साहब ने याद की था। हाँ तो चल मैं आना। अच्छा देख ले बेगम, आईजी साहब ने मैनू याद फरमाया, वो मैनू तरक्की की खुशखबरी सुनाएंगे। अच्छा तू सोई ना, बबली दे नाल तू भी सो जानी है, फिर तेन जगाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बबली मेरी पुत्र चवेगी। कौन है तू? सुल्तान। सुल्तान वो तू मर चुके? मैं जिंदा हूँ। ऐसा क्यों है? बदला लेन ले। बदला ले? जिंदा है तो बदला का था? तेरे खामन ने मेरी बीवी ते मेरे बच्चे नु दरिया च डोबता सी, बत्ती ना बाली, किधरे तेरी अखां दे अथरू वेख के मेरे इंतकाम दी अग बुझ ना जाए, बच्ची मेरे हवाले कर दी। नहीं, बच्ची मेरी जिंदगी। मेरा बच्चा मेरी जिंदगी सी, तेरे खामन ने उन्हें मार के मैंनु सारी जिंदगी रोन ते मजबूर करता है। मैं इस बच्ची नु जरूर लेके जावांगा, इसलिए कि तेरा खामन अपनी बच्ची ली सारी जिंदगी रोंदा रवे, बच्ची मेरे हवाले कर दे। नहीं, मैं बच्ची दे देंगे। मैं खान का भी वाला आंदा है। नहीं, हट जा पीछे। नहीं नहीं, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मैं अपने बगैर नहीं जिंदा रह सकती, मेरी बच्ची मेरे वापस। शाबाश इंस्पेक्टर मुजफ्फर, सुल्तान जाए बदनाम डाकू का खात्मा करके बैंक में नाम रोशन किया। मैं तनु 1000 रुपए नकद इनाम, एक मिसाल बनेगा। मैंने उम्मीद है कि तुसी वड्डी तो वड्डी मुश्किल सामने देख के भी अपने फर्ज की राह विच साबित कदम रहोगे। इंशाल्लाह सर ऐसे ही Thank you.
ਹੋਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਸਲਮਾ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾ ਕੇ ਸੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਬਬਲੀ ਕਿੱਥੇ? ਸਲਮਾ ਸਲਮਾ ਬਬਲੀ ਕਿੱਥੇ? ਸਲਮਾ 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 ਬਬਲੀ ਕਿੱਥੇ? ਸਲਮਾ 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 चाचा माशाल्लाह अस पुत्र किथे जा रहे? क्लब जा रहे हैं। एक कमाऊ कुड़ी ते जाल सुटे है, पी के दुआ करके माला माल हो जाइए। ऐसे ले अपने मकतूल भरा दी निशानी नु पाल के जवान कीता है, पर पुत्र वो कुड़ी कौन है? एक नायका दी धी है। एक कुड़ी को वो कोठे ते मुजरा करांदी है ते दूसरे नु क्लब च नचांदी है। अच्छा चाचा, क्लब विच नचांदी है। इंस्पेक्टर तो डीआईजी बन गया वा, पर यह तरक्की मैं कितनी महंगी पई है सलमा। इज्जत शोहरत तोहदा होंदिया भी मैं कितना कल्ला वा, मैं कितना कल्ला वा सलमा। तू दुनिया छड़ के मेरा साथ छड़ गई है ते बेटी नू बिछड़े 18 साल हो गए ने, जो जिंदा है ते खबरें कितने भी।
बिल्कुल सुने जे मां जी, गजब हो गया। क्यों है शहजादी? कल राती साढ़े शहर च बहुत वड्डा डाका पिया। शहनशाह डाकू एक सेठ दे घरों 5 लाख रुपए के जेवरात लुट के लै गए। इसे लिए मैं अखबार पढ़ना ही छड़ दिता है। ये कत्ल, गारत ते डाकियां दे सिवा होर हुंदा ही कुछ नहीं। मैं तो कहनी हाँ, कदे की बनेगा इस मुल्क दा? कौन है तू? एक मुसाफिर। मुसाफिर चलदियां गड्डियां ते नहीं चढ़दे? मैं जानना, चोर चक्के चलदियां गड्डियां ते चढ़दे ने जी। मैनू ते तू चोर चक्का लगना है। चल उतर थले। ए ज़ुल्म ना करना, मैं मर जांगा जी। मैं कहनी उतर थले। उतर नहीं ते पांदर मार के तेरा सिर खोल देंगे। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਥਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੈਠ ਦੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਦਿਓ ਮਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਚੱਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਸ਼ਕਲੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਮਾਨਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ। चुप कर, जेवर लाके साढ़े हवाले कर दे। जंजीर खिंचन की कोशिश ना करनी। चुमके भी ला दे। ऐसे रहन दियो, इतने नकली नहीं। छेती कर। शहजादी जी, ऐ थोड़ा जेवर। मैं क्या शुक्र है हार ही गया, बाकी जेवर मिल गया। हार उन्हें खुले मैं हूं ही लेके आया। यार हार की करना ही, वापस करना है। वो एकदम मार मार के साढ़े खूने से जाते नहीं, उसको कहना हार वापस करो। हार वापस करके कुछ और चोरी करना है। अब कुड़ी बह के नाल ही उसंदा चोर बन गया है। उसंदा चोर नहीं आए, बगदाद दा चोर का बगदाद दा चोर हर कट। ऊपर ऊपर से आ गई, आखिरी भागे। ए मिस्टर, बदना चाहना है? नहीं, लिफ्ट चाहना है। थैंक यू फॉर द लिफ्ट। लिसन। यस सर। जिंदा रहन दा फन जान? मजबूरी सब कुछ सिखा देंगे। पेशा? चोरी। वेरी गुड, थैंक यू। मैं अखबार च डाके का पढ़िया तो उस वेल्ले समझ गया था कि शहनशाह का काम है। किन्ना माल? 2 लाख। 2 लाख? अखबार च पढ़िया सी, ये नहीं सी पढ़िया कि माल 5 लाख का है। वो पर लुटे जाने के बाद 5 लाख का माल भी 1 लाख का रह जाता है। तैनू पता होना चाहिए
कि मैं तली ते जान रख के डाके मारना ते तू मैनू लुटना चाहना तो मैंने फट 50,000 होर ते छेती ना चला जा जे किसी नु शक पै गया ते सारा मुनाफा मेरे ते लग जाएगा एक गल याद रखी जे मैनू खुश रखेगा ते आप भी खुश रहेगा नहीं ते सारा कुछ इत्थे छड के ते आप उतना टुट जाएगा अच्छा मैं होर ही आ गया ओ बदर आ गए कोई वारदात यस वहां एक महीने वास्ते वर्कशॉप बंद क्यों इनु बेच के निपिया रोड ते ऐश करांगे नहीं दोस्त ये बेचना नहीं वापस करना है क्यों ये भी इकराज ते फिर लेना था यार सर बाहर दे जा रहा है दामिस्तान यार रावड़े दे जख्दे ले कर का टूटे और रावड़ा बर्फ गाड़ी ना से पहले गाड़ी खराब है दर्जा आइंदा डाके की खबर अखबार च पढ़ेगा तो यह जरूर याद रखी कि माल कि बहुत अच्छा समझ आई बिल्कुल समझ आई और टुडे पेट कस लिया जल्दी आ सड़ते नहीं लगी नहीं चल वर्कशॉप तू तुम्हारा बैग तेरा नाम बदर तू मेरे ते बड़ा वड्डा एहसान कीता है एदे चो जो लेना ही ले ले नहीं क्यों थोड़ी देर पहले तुसी भी मेरे ते एहसान कीता सी तू तो कहना सा मैं चोर हाँ मैं हूं भी कहना मैं चोर हाँ किसी अच्छे प्यू का पुत्र लगना हो सकता है मेरा प्यू भी चोर हो मैं उसकी शक्ल नहीं देखी शहर के फुटपाथा से कुछ संभाली तो ठोकर खा के जवान होया तो किस्मत ने चोरी नू मेरी रोटी का जरिया बना दिता है सलामुअलैकुम मैं अपने मतलब की गल करना ते अपने मतलब की गल सुन अच्छा अच्छा किस तरह है एक तितली फंस गई है तितली की उम्र 16 साल 16 साल बिल्कुल 16 साल हाँ ये तोहफा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ मैं सुने होटलें छापे पे रहे ते मुझे ना ते कार तुसी फिकर ना करो सेठ साहब तो आड़े जो शरीफ लोग का वास्ते तुम्हें कोठी खाने का किराया देना
ते आवाज भी बाहर नहीं जा सकती। कदों आवा? अच्छा वेरी गुड। ऐसा क्या तू पैदा करे आज वास्ते नहीं मरा जितनाओगे ते पूरी कीमत सेठ साहब में आप वसूल कर लगा। क्यों बंद हो गया? तशरीफ रखो। अरे नहीं बत्ती भी बत्ती है। हाँ बुलंद हो। मनु चानन को बहुत डर लगता है। ते मैं जनाब हनेरे को घबरानी हाँ। फिर ते फिर की जीरो का बल्ब बाल लेंगे। चलो ठीक है। ख्याल है पुलिस का महकमा खत्म कर देना चाहिए था। बिल्कुल नहीं सर। फिर तुसी किस मर्जी दबाओ। एक डाकू की इन्नी हिम्मत किस तरह हो सकती है कि वो डाका मारन तो पहला पुलिस को चिट्ठी लिखना जरूरी समझता है। क्या पुलिस उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती? क्यों नहीं सर। सेठ दादू जिन्हों ने अज रात लुटन का प्रोग्राम बनाया है वह पता जानते हो? जी सर।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਫਲਤ ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ ਹਿਮਾਇਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਰ आधार अर्ज करता हूँ जनाब आइए आइए नवाब साहब इतने दिनों बाद दीदार करवाया है कहाँ फंस गए थे जी जिसका पुलिस अफसर यार हो उसे कौन फंसा सकता है भला ठीक है ठीक है फिर इतनी गैर हाजिरियाँ लगने की क्या वजह है अब बस क्या बताऊँ हुजूर जरा बटेर पकड़ने का भूत सवार हो गया था कोई पकड़ा वकड़ा भी बटेर पकड़ना हुजूर डाकू पकड़ने से कम मुश्किल नहीं लाख जाल बिछाए जिसे घेरा वही फरार हो गया तो फिर तजुर्बे के लिए चंद दिन पुलिस की नौकरी कर लीजिए ऐसे नहीं हुजूर पहले कोई चोर डाकू पकड़ कर दिखाइए चोट कर गए आप नहीं 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 हुजूर अफसरी पर ना आइएगा मैंने तो दिल लगी की थी अच्छा नवाब साहब क्या पीजिएगा चाय या ठंडा जो हुजूर पसंद फरमाए गुलाम जब तक ये सिगरेट शुक्रिया पुलिस भी काफी है क्या गड्डी भी खराब हो गई है सारा प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया 5000 रुपया गड्डी ठीक कराई नहीं पुलिस हटाना तरकीब ए मेरे ते छड़ दियो मंजूर है कैश कैश ही मिलेगा ओके शाह ने जो वारदात करनी होवे तो पुलिस दाएं बाएं हो जाती है चाबियां मेरे हवाले कर चाबी ले पर मेरी गोली ना मारी चाबी ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐ ਲੈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਗਿਣ ਲੈ ਪੂਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਦਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਹੀਨ ਵੀ ਐ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਖੇ ਦੋ ਚੋਰ ਸੌਰੀ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਡਾਕੂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਣਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਮਚਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਲ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਐ ਲੈ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਇਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੇਠ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਨ 5000 ਰੁਪਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਮਕੀਸ਼ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਠ ਕੱਲ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਵੇਖੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5000 ਦਾ ਸੇਠ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੇਠ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂ
चाचा बरखुरदार भतीजे ब्लैक का माल सारा हजम नहीं होंगे 50-50 कर ले। अच्छा ला चाचा खुदा हाफिज। और थैंक यू बरखुरदार भतीजे थैंक यू। तुसी इत्थे सलाम करना आई सा। अल्लाह ने मुलाकात करा दी। मेरा हार मिल गया सी पर इस वेले मेरे कोल नहीं। तुसी अपने घर का पता दस दियो मैं आके ले जाके। तुसी मेरे घर तक नहीं पहुंच अपने घर का पता दस। हाँ जी मेरे घर तक पहुंचना भी आसान नहीं। अच्छा फिर तुसी काम करो ना तुसी मेरे घर आना ना मैं तुहाडे घर आवांगा। कल तुसी समुंदर किनारे पहुंच जाओ। वादा। पक्का वादा। रब मुरादा पूरिया करेगा। लो मां जी। मां जी कलेजे ठंड पै रही है अपने मुक्त हो गई ने न्याजा वंडी फिर तकदीर कभी तो तरस आएगा विछड़े कभी तो शक्ल बखाएंगे इंशाल्लाह। मां जी जाओ अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। मां जी जोड़ी हाली बनी नहीं दुआ करो बन जाए। जोड़ मिलाना ओदा काम है और जरूर मिलाएगा। ऐस मामूली हार ले तुसी कितनी तकलीफ की थी। मेरी नजरों में दुनिया का सब तो कीमती हार है। पर है तो नकली है। तुहाडा मेरे पर हार ले। तुसी एक शरीफ आदमी हो। जे तुहानू पता लग जाए कि इस हार की तरह मैं भी हो सकता है। मैं भी एक गल करा की ना तुसी अपने बारे कुछ दसो ना मेरे बारे कुछ पूछो बस इना याद रखो। मजार से सानू एक मां ने दुआ दी सी कि साड़ी जोड़ी सलामत रहे। नींदर खुल गई मेरे अंग अंग दे विच होई
जिस घर के चराग ही गुल हो गए हूँ उसे शबे बरात के दिए रोशन नहीं कर सकते नवाब साहब। अमा आपकी आंखों में आंसू? हाँ नवाब साहब, दूर जलते चराहों की लौ में मुझे अपनी बीवी और मासूम बच्चे की सूरत नजर आ गई थी। कहाँ है वो? बीवी को तो मैंने अपने हाथों से मिट्टी दी थी नवाब साहब, बच्ची न जाने कहाँ है। ये जुल्म कैसे हुआ? परसों पहले इस घर को एक डाकू नजर खा गई थी नवाब साहब, वो मेरी बच्ची को उठाकर ले गया, जिसका सदमा मेरी बीवी बर्दाश्त न कर सकी और इस दुनिया से चल बसी। हुजूर, आपने उसका क्या बिगाड़ा था? मैं उसे गिरफ्तार करना चाहता था। उस कोशिश में उसे कोई चोट पहुंची थी? हाँ, वो कश्ती में फरार हो रहा था, मैंने गोली चलाई, कश्ती के साथ उसकी बीवी और बच्चा दोनों डूब गए, लेकिन मैं फर्ज के हाथों मजबूर था नवाब साहब। इस तरह तो कसूरवार दोनों एक जैसे हैं। जिस तरह आप अंधेरा करके रो रहे हैं, इसी तरह वो भी कमबख्त अंधेरा करके न जाने कितना तड़पा होगा, अपने आंसुओं से अमन भिगोया होगा। क्या मतलब आपका? सर, शहंशाह डाकू दी फिर चिट्ठी आई। हुजूर, अब वो कमबख्त कहां डाका डाल रहा है? अकबर सेठ के बेटे की शादी है उसकी कोठी पर। हुजूर, उसे गिरफ्तार करके मुझे उसकी सूरत जरूर दिखाइएगा। वो कमबख्त दलेर भी है, आराम से डरता भी नहीं। लेकिन अब वो कानून के हाथों बचकर नहीं जा सकता। खाम खाम घबरांदे हो सेठ जी, इन्नी पुलिस की मौजूदगी एक डाकू इतने आने की जरूरत नहीं कर सकता। दुरुस्त है, मेरा ख्याल है रुखसती के बाद किसी चैन भी नहीं सो। हाँ, मेरा भी यही ख्याल। सेठ जी, सेठ जी, इंस्पेक्टर। यस सर। तुसी उस बहरे नूं जरा हुण बोकल दे गया उधारी मुच्छा वाला, तुम फौरन चेक करो। जाओ सर। सेठ जी, कोई नवा चोर मालूम होना है, तन नहीं पता कि एक चोर दूसरे चोर दे इलाके च वारदात नहीं करदा, तू अंदर किस तरह आ गया? 50-50 उस्ताद। मैं तन कहना 50-50, पुलिस आ गई ते मारे जाओ। मेरा ख्याल पुलिस आ गई। मतलब है वे वो अपना काम बहा के आओ मेरे नाल। Thank you.
की देख रहे हैं उस्ताद? तेरी सूरत। मेरी सूरत? तेरी सूरत जो मैंने अपना पुत्र नजर आंदा। पुत्र? आज जो जिंदा होता तो बिल्कुल तेरे वांगू होता, पर इस दुनिया च मैं किसी को पुत्र नहीं आख सकता। कोई गल नहीं उस्ताद, जिंदगी च मुलाकात तो होती रहनी। देखो ऐठा की लेना है, कामयाबी की थोड़ी जी शक्ल नजर आई है सर। ओके, डाकू तो बचन पर साइड इफेक्ट किए हुए ऑटोमेटिक कैमरे ने उन्हों की तस्वीर ले रही थी। सुल्तान, सुल्तान जिंदा है? एदिया तस्वीर करा के शहर के हर इंस्पेक्टर नु दे दियो, ते दो दिन के अंदर अंदर उन्होंने गिरफ्तार कर लो। ओके सर। बैठ बैठे। यस डैडी। बैठ बैठे। बिस्की? हाँ। नहीं नहीं डैडी, आज एक बारी गलती की थी। फिर मैं पागल हो गया सा। आज मेरे हथों भी वे मैं देखना तेनो की आंदा बीबी आर यू ओल्ड मैन, ओए तू गॉड फादर है, अन दाता है, ओए तू की है? मैं जनाब दा तावेदार हां। आप मुकाबला करके देख, मैं भी किंग कांगा। Come on, Godfather! Ah! Are you all right, son? Yeah. मिस्टर, क्या है? बाहर आओ, यही बात करो। मैं कहना बाहर आओ। मैं कहता हूँ यही बात करो। इंस्पेक्टर, गड्डी भी यही है, मुजरम कहते दूर नहीं गए। आओ मेरे नाल। सौन दे महीने विच पिज गए पसीने विच। पुलिस साडे पिछे लगी है, संग गिरफ्तार होने तो बचा ले। मैं तेरे इहसान दा बदला जरूर चुकाऊंगा। पुलिस ताडे पिछे क्यों लगी है? कौन हो तुसी? दो चोर। चोर? पुलिस सानू लभदियां लभदियां इत्थे जरूर आएगी, वादा कर। मैं फैसला कर लिया, पुलिस दियां लखां अखां भी तुहाडी शनाख्त करन आ जाऊं, पर शहजादी तुहाडी पहचान कदे नहीं हों देगी। Thank you.
दिल विच होवे टन टन चना चन चन चना चन दिल विच होवे टन टन चना चन चन चना चन तार सुनी ने आजक मेरे मैया 840 लोरी ना हाथ ना मैनु कैंड निराली दिल विच होवे टन टन चना चन चन चना चन दिल विच होवे टन टन चना चन चन चना चन दिल नु बचा के जवानी मेरी तक वे बनेगा दीवाना जे तेनु पाया शक वे मैं भूल ना जावी मेरे ते दिल ना जावी तेरे काबू कदी नी आनी तखिया ने ना वाली दिल विच होवे टन टन चना चन चन चना चन दिल विच होवे टन टन चना चन चन चना चन फिर की चाहनी है शराफत की जिंदगी ऐस कोठे ते रह के मैं इज्जत दा सौदा नहीं कीता हाथ वेचिए जे तू मेरे सान दा बदला लाने चाहना है ते फिर मैनू शराफत की जिंदगी लिया दे ऐस दुनिया कोलो मैनू शरीफ बनन दा हक दुआ दे जो तू आख्या ए तवाइफ दी जबान नहीं किसे शरीफ बाप दा खून बोल रहा है फिकर ना कर तू अपने इंदा बदला
लेना चाहनी है, मैं तन शराफत की जिंदगी जरूर देंगा, जरूर देंगा। और डाकू मैनू इज्जत की जिंदगी किवें दे सकता है, इज्जत जिदे अपने कोल भी नहीं। कल सवेरे एक शरीफ आदमी तेन इतने लैन लिया आएगा, पैर की हर जंजीर तोड़ के वो चली जाए। खुदा हाफिज। शहनशाह डाकू और कौन है? और लोगों लिए शहनशाह डाकू है, मेरे लिए सुल्तान है, मेरे भरा तेरे प्यो का कातल। आहो तेरे प्यो का कातल। मैं तेनू पाल के इसलिए जवान किया सी कि एक दिन तू ये कोलों बदला लेगा, ते फिर चाचा मैं जदों तक उन्हें गोली नहीं मार देंगा। मेरे ते हर चीज हराम है। ओ एक बेवकूफ ना बन, ये लखां दा मालिक है। रात तेनू मैं दसना अमल ओदे ते तू कर ले, पहला इहदी दौलत ते कब्जा कर, फिर इहनू साफ कर दे। नहीं नहीं नवाब साहब, इस बाजार कोई ऐसी नायका नहीं मिलेगी जिदी धी से बार जवानी आवे तो वह हाथ फड़ा के किसी नवाब ना तोड़ दे। हम मजबूर हैं। मैं मासूर हूं। वल्ला हमारी मुश्किल यह है कि कंबा शहनशाह डाकू ने हमें धमकी दी है कि इस बच्ची को कोठे से ले आओ, अगर हमने तुम्हारा इनकार सुना दिया तो वो इस कोठे पे स्टैंड लेकर आ जाएगा और तुम्हारी लाश सड़क पर पड़ी होगी और उसे कुत्ते चाट रहे होंगे। पर मेरी गोद क्यों जानना चाहता है, मैं बाकी बिगाड़े। अरे आप समझती क्यों नहीं भाई जी, किसी शरीफ आदमी का घर डाकू उजाड़ दे तो वो दोबारा नहीं बसता। हाँ ये लो गिन लो। नहीं नहीं पूरे होंगे। अच्छा अब हम इसे ले जा सकते हैं? हाँ हाँ पूरे तादा ही माल है। आओ चले। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम्हें यह बात अच्छी नहीं लगी? नहीं नवाब साहब, ऐतरो खुशी बनी है। कल एक इंसान वादा करके क्या सी, ते आज लैनिक फरिश्ता आ गया। हम तो बहुत गुनाहगार आदमी हैं। आओ चले चले। जरा कहना नवाब साहब। अरे अब कोई बदशगुनी ना करना। नहीं, नहीं मैं तो सिर्फ इतना पूछना कि तुम लेके चले कि थे हो। क्यों मेरा दिल कभी इन मिलन से कारा रहे, तुम्हें कितने मिला? ये लोकारे इस पते पे आ जाना। हाँ चलो। लो सरदारी, ये तुम्हारा अपना घर है। इस घर की ऊंची दीवारें बाप की शफकत बनकर तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेंगी। खादिम जी सरदार, ये हमारा बेटा है। बेटा है? हाँ अरे हाँ, मुद्दत से हमारा घर वीरान था, यह बेटा हमारे घर की रौनक बनेगा। जो हुक्म सरकार। और हाँ हमारे मेहमानों का इंतजाम कर दिया। जी सरकार। कौन मेहमान? हाँ मेहमान, आओ तुम्हें दिखाए। ऐसे फकीर ने? हम तो इनसे भी हकीर हैं। कुछ लोग गरीबों का पेट काट कर नमाज पढ़ते हैं, हम इनका पेट भरने को अपनी नमाज समझते हैं। दोनों इंसान आखा कि फरिश्ता समझा। बस हमारी बख्शिश की दुआ करो। खादिम जी सरकार, बेटे को इनका कमरा दिखाओ। आइए। हाँ जाए। ओ की कह रही है, कौन नवाब? ऐसे कौन आंदा है कौन जाता है, ना मैं शक्ल याद रखनी है ना ना। मां को सुने थी एक नवाब है, 3 लाख दे के ते शहजादी ले गए। ओ काट, उदास हो गया। बैठो, शराब नजर करा या शबाब, गीत सुनोगे या गजल? ओ मैनू किसी चीज की जरूरत नहीं। अजीब आदमी थी। बदर तुम एना उसे दुश्मन क्या हो? जे दुश्मनी दी नहीं रखन तो पहले ही
दुश्मनी की इब्तदा की। मेरी शहजादी कितने भी सवाल तू वार करन तो पहला भी कर सकता। वार करन तो बाद इसलिए पूछे कि तू मेरे प्यार का सौदा कराए। दस की रिश्ता तेरे शहजादी ना ओही जेड़ा गैरत दा गैरतमंद दे नाल हुंदा है। दस की रिश्ता है तेरा शहजादी नाल ओही जो धी दा प्यो नाल हुंदा है। दस जब भी पाए दुश्मना उन्हें दुश्मन पुत्र बन के तेनू पूछता है कि तू शहजादी नु किथे छड़ा है। जे प्यो दी पछाण हो ही गई हो ते फिर कन खोल के सुन ले। मैं उन कोठे तो चुक के शरीफ कार दी चार दीवारी छटाया। डैडी अल्लाह फड़ो दा पता ते जे ओ ना पछाने ते उन बदनाम करन दी कोशिश ना करी नहीं ते फिर मैं प्यो तो दुश्मन बन जाऊंगा। डैडी शहजादी तू शराफत दी चार दीवारी विच कितनी सोहनी लगनी है। ऐसा चला जा पुत्र ऐ शरीफ घर दी चार दीवारी है किसे तवारी दा कोठा नहीं जिथे तू मुंह चुके आ गए। पर मैं तेरा प्यार मां प्यार दा लफ्ज़ तवारी ते कोठे दे घर दी चार दीवारी च नहीं। मैनू मिलना ही ते अपने चेहरे ते लिखे हुए जुर्मां दी तहरीर मिटा के आ। कल तक तेरा मेरा मेल ऐस लई हुंदा रहा कि मैं एक तवारीफ सां ते तू एक चोर। शहजादी शहजादी मैनू तमाशबीन कहंदे सन। मेरा नवा नाम शरीफजादी है। वेजे मैं रुंदी हुई दौलत नूं ठोकर मार दित्ती है कुंगरू ला दित्ते ने हनेर दा कारोबार छड्ड दित्ता है ते फिर तू अपने प्यार दी खातर जुर्मां दी हनेर दुनिया नहीं छड्ड सकता। याद रख पदर जे तू ना बदल सकिया ते असी कदे नहीं मिल सकांगे। बस कर बस कर ते फिर मैं अपने उस ईमान नूं वापस बुला लांगा जिहड़ा दौलत वेख के वेख गया सी। खुदा दे सिवा मेरा इस दुनिया विच कोई नहीं मां। जिदा कोई ना होवे ओ सारे ओ आप बना देंदे। जिदा भी तेरा दिल दुखे मेरे कोल आ जाए। मां जी तुहानू वेख के मैनू बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा सलाम अलैकुम। रुक जा मगर शहंशाह नाल हाथ मिला के हाथ छुड़ाना एडी आसान गल नहीं। मैं तन गोली मार दियांगा। चलाओ है गोली आज तेरी गोली खा के मैं एक चोर दी नहीं इंसान दी मौत मरांगा। पर तुसी मैनू गोली नहीं मार सकते इसलिए कि मेरी शक्ल विच तुहानू अपने पुत्र दी शक्ल नजर आउंदी है। डैडी सारी जिंदगी गुनाह करके वीक दिन तौबा करनी पैंदी है। तुसी भी मजार ते जाके तौबा करो शायद खुदा तुहाडे भी गुनाह माफ कर देवे। शायद तुहाडा विछड़िया होया पुत्र तुहानू मिल जाए। तौबा कर लवो बड़ा सुकून मिलेगा। बड़ा सुकून मिलेगा डैडी। जबरू कौन जबरू नादर दा भरा जबरू कौन नादर मैं ते करमा मारियां मैं किसे दी परचाई नहीं मैं तैनू नहीं पछाणदी। पर मैं तैनू चंगी तरह पछाण लिया पापी। ते फिर इत्थे की लैन आया मेरी चोली ते खाली हो गई है ना सिर दा साई लगता है ते ना जिगर दा टुकड़ा दिसदा है। हुण केड़ा वैर कमाण आया। वैर कमाण नहीं पापी मैं तेरे दिल दा पार हौला करना है। पर मैं यकीन नहीं करांगी जे मैं तेरा विछड़िया लाल तेनू मिला दिया ते फिर तू मैनू माफ कर देंगी। मेरा लाल 18 वरे तेरे पुत्र नू नाल लेके तेनू लभदा रहा पापी। तू दरगाह ते नजर आई है
अज तेरा पुत्र तेन मिला मेरा पुत्र तेरे को आहो मेरे को मैं हमने बुलाना ओए बदरा आया अंकल आए की गल अंकल ओए बदबख्ता है तेरी मां है जिन्हों तू रोज याद कर करके रोंदा था ओए दे कदम चुक जा अपने सुते भाग जगा ले मेरी मां है जबरू वेदी शक्ल इस कोई नवा फरेब देन ते नहीं आ गया भाभी जो उम्र मौत दे नेड़े आ जाए ते बंदा फरेब देन तो अक जाता है जे तेरा दिल यकीन नहीं करता तो फिर यदी बात वो ना वेख जेड़ा तू अपने सामने मेले च लिखवाया सी कोठी तो घर के चार दीवारी च लिया के तुसी मेरी तकदीर बदल दी नवाब साहब अभी तुम्हारी तकदीर की लकीर बदले नहीं बदलेगी जुर्म की जिस आग में मैं जल रहा हूं उसकी चिंगारी अभी तक मेरी जिंदगी को जला रही है उस जख्म से अभी तक खून रिस रहा है जिसको भरने के लिए मैं तुम्हें उस कोठे से इस घर की चार दीवारी में ले आया हूं मैं समझी नहीं नवाब साहब यही कि ये घर अभी तुम्हारी मंजिल नहीं मैं हाजिर हो सकता हूँ नवाब साहब आइए डीआईजी साहब आइए अपनी बेटी की तरफ क्या देख रहे हैं डीआईजी साहब मेरी बेटी हाँ ये एक लावारिस लड़की है और लावारिस लड़की का बाप वही बन सकता है जिसकी अपनी बेटी भी छड़ गई हो साफ साफ कह दीजिए नवाब साहब क्या कहना चाहते हैं आप यही डीआईजी साहब ये लड़की डाल से गिरा हुआ एक ऐसा पत्ता है जिसे माँ बाप के बिछड़ जाने के बाद एक ऐसे बाप की जरूरत है जो इसे बेटी कहकर अपने सीने से लगा सके आप मुझे गले लगाने का कह रहे हैं नवाब साहब मेरा तो जी चाहता है मैं इसे अपनी बेटी बनाकर उस वीरान घर को हमेशा के लिए आबाद कर दूं जिसमें पिछड़ी हुई बेटी की सिर्फ यादों के सिवा और कोई नहीं रहता मेरा भी यही जी चाहता है कि आपका वीरान घर फिर से आबाद हो जाए आओ शहजादी अपने बाप के सीने से लग जाओ आओ बेटी हाँ हाँ आओ नवाब साहब आपने ये नहीं बताया कि ये लड़की कौन है जिसके चेहरे पर मुझे अपने खून की चमक नजर आती है यही समझ लीजिए साहब जो जुर्म मेरी जिंदगी के लिए अजाब बन गया था वो आज सवाब बन गया है मेरा मतलब है मैं इस बेसहारा लड़की को बाप की शफकत नहीं दे सका यही मेरा जुर्म है ठीक है अब समझा नवाब साहब मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इसे वो शफकत और प्यार दूंगा जो एक बाप अपनी बेटी को दे सकता है क्यों नहीं बाप अपनी औलाद को प्यार करता है बहुत प्यार करता है अब इजाजत दीजिए आओ बेटी जाओ बेटी घबरा क्यों गई है बेटी जी इस चार दीवारी चो एक दीप पार गई सी 18 साल बाद एक दीप घर आ गई है बेटी तू मेरे दिल की हालत नहीं जानती काश कोई यह कह दे कि
तू मेरी सलमा दी ओही निशानी है, ओही निशानी है, मेरी अपनी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा। जे तुहानू तुहाडी ती मिल गई ते मैं नहीं बेटी नहीं, तू ये कदी महसूस न करी कि तेरा घर नहीं, इत्थे तेरा राज होएगा। ते मैं तेनू ती बनाने की खुशी च बड़ा वड्डा फंक्शन करांगा। उस फंक्शन शहर के वड्डे वड्डे लोग आणगे। इहदी की जरूरत है? जरूरत है बेटी, जरूरत है। तू नहीं जानती एक बाप के दिल को खुशी मिली है, मुद्दत बाद खुशी मिली है, ते ओनू ओदा इजहार करन दा पूरा पूरा हक हासिल है। ते ओ हक दुनिया की कोई ताकत नहीं खो सकती, कोई ताकत नहीं खो सकती बेटी। ये फंक्शन जरूर होएगा, जरूर होएगा। शरीफा ने रसम के मुताबिक तवाइफ नो दे कोठे ते वापस तोड़ दिता है। नहीं मां, मैं उस कोठी तो कोठे तक का फासला आप तय किया। जीऊं दी रह मेरी शहजादी। शहजादी ने शरीफदारी क्या मां? मैं सिर्फ तेनू यह कहना ही क्या इस तो बाद मेरे घर पैर ना रखी। इसलिए कि शरीफ घर की चार दीवारी कोई शरीफजादी चंगी लगती है। बुढ़ी तवाइफ का मुकदर सिर फिरामणी का कोठा होंगे। शहजादी, ओ शहजादी, ओ की लड़ गया तेनू? Yeah.
बेटी का रिश्ता शीशे की तरह बड़ा नाजुक होता है बेटी, तो एक झूठ नाल शीशे च तरेड़ भी पै सकती है। मैंने लिखा किने दिता जी? कोई लड़का है जी? की ना है उदा? बदर। की करता है? बेकार है डैडी, ओदी जिंदगी बना दियो, ओनू अपने महकमे च नौकर करवा दियो। दुनिया ने ओदे नाल बड़ियां ज्यादतियां कीतियां ने, अगर ओनू हमदर्दी ना मिली ते ओ गुमराह हो जाएगा। प्लीज डैडी। ओ मैनू दफ्तर आके मिले। ओ थैंक यू डैडी। सलाम। तेरा नाम है? यस सर।
तेरी सिफारिश सोने की दी है जिन्हों मैं टाल नहीं सकता। यस सर। मदर, तू पुलिस की नौकरी ले आए, ते इस नौकरी लिए शेर का दिल चाहिए। शेर का दिल ना होता तो इतने आने की जरूरत कभी ना करता। गुड, वेरी गुड। ते कल तू सर्विस डिपार्टमेंट चले जाए, उसे तेन नौकरी भी मिल जाएगी, ते ट्रेनिंग दी हिदायत भी। थैंक यू सर। सर, तुसी इन्हें नौकरी देने का वादा तो कर लिया। अरे शहनशाह का साथी है। इंस्पेक्टर, आई नो, मैं जानना, पर तेन मालूम होना चाहिए कि एक चोर नू फड़न लई दूसरे चोर की मदद लैनी पैंदी है। सारी जिंदगी गुनाह करके भी एक दिन तौबा करनी पैंदी है, तुसी भी मजार से जाके तौबा करो, शायद खुदा तुहाडे भी गुनाह माफ कर देवे, शायद तुहाडा विछड़िया होया पुत्र तुहानू मिल जाए। तौबा कर लवो, बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ा सुकून मिलेगा डैडी। बड़े गुनाह किए ने, बड़े गुनाह किए ने। मैं रोजे वाले का किस तरह शुक्र अदा करा, पुत्र मिला के सिर दा साई भी मिला दिता। सो पुत्र मिल गई मीदा। आहो सरताज, उन बचाने किस तरह से? ओदी बां ते लिखा है बचपन दा नाम नहीं सा भुले। चलो घर चल के उन सीने ने ला लो। एक बारी ओदी शक्ल देख रहा।
पाई तेरे थे। डिप्टी कमिश्नर बन गया। पुलिस अफसर वे शरारत छड़ दे वरना किसी वेले भी तेरा चलान हो सकता है समझी। बदर पुलिस अफसर बने के पत्थर। साइलेंट अटेंशन अबाउट टर्न क्विक मार्च लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर बदर। थैंक यू सर। तेरी ट्रेनिंग भी मुकम्मल हो गई है ते तेनू पुलिस अफसर की नौकरी भी मिल गई है। जानना है इस वर्दी की अहमियत की है? जी ए वर्दी पुलिस नू धोखा देने लई चोर डाकू भी पा लेंदे ने लेकिन यदि हकीकत है वे कि इस वर्दी नू पा लेने तों बाद इंसान की जिंदगी मुल्क और कौम की अमानत बन जाती है। इंसान अपनी हर चीज कुर्बान कर देता है। अजीज तो अजीज रिश्ता भी उसकी राह रुकावट नहीं बन सकता। अंडरस्टैंड? यस सर। मिस्टर बदर अज तो बाद तेरी अजमायश का दौर शुरू होता है। शहनशाह डाकू जान ले जी कानून ओदी जरूरत है। उन्हों गिरफ्तार करना तेरा फर्ज ते इस राज साबित कदम रहना तेरी इस वर्दी की इज्जत। मैं भी मेरे तरफों तेरे ते आए होने वाली जिम्मेदारी ते तेरे किरदार की पछाण होगी। मैं इत्मीनान होगा कि मैं सही कम लिए सही बंदे का इंतखाब किया है। राइट राइट सर। बदर आमे पुत्र। पुत्र तेरा बदर सर। मैं कानून आ जुर्म दा प्यो। इस वर्दी च बड़ा सोना लगा। मैं वर्दी दी तारीफ सुन नहीं तैनू गिरफ्तार करना है। ओए चलिया पुलिस ते मुजरम गिरफ्तार कर दी है। तू भी एक मुजरम है। मशवरा तू दिता सी ते तौबा मैं कर ली। तौबा तू आइंदा गुनाह मत कीती है। कानून तेरे कोलों पिछले गुनाह दा हिसाब मंगदा। ओए सोनिया जे मेरे पिछले गुनाहों ते नजर रखेगा ते मैं शराफत दी जिंदगी नहीं गुजार सकूंगा। एदा फैसला कानून करेगा। जे कानून ने मेरे माजी दी फाइल खोल दिती ते मैनू फिर मुजरम बनना पेगा। तेनू कानून दे सामने चलना पेगा। बदर जे पुलिस अफसर बन के मगरूर हो गए ते फिर जा पुलिस दा जत्था लेके आ। ओ तेरी गिरफ्तारी मेरे कल्ले दा नसीब है शहनशाह। तू मेरे सामने एक बच्चा है ते चे अपने कद तो उच्चिया गल्ला नहीं करते। मेरे नल तुर पो शहनशाह नहीं तो मैं गोली मार देंगा। इंस्पेक्टर
बदर दे बारे च कोई खबर नहीं जनाब शहन शेख जहां दीदा डाकू है ते बदर एक ना तजर्बेकार इंस्पेक्टर डोंट बी डिसअपॉइंटेड इंस्पेक्टर मेरा तजर्बा कहता है कि शहनशाह डाकू नू गिरफ्तार करने का सेहरा उससे ना तजर्बेकार इंस्पेक्टर दे सिर होगा ओहो बेटी चाह तू क्यों ले आई लाजिम नहीं तुम्हारी खिदमत करना भी मेरा फर्ज है डैडी मैं आप बना तू सर ए लड़की कौन है ए मेरी मुंह बोली बेटी है नो सर की मतलब सर अगर बुरा ना मिलाओ तो मैं इस लड़की नू गुलजार भाई दे कोठे देखे ठीक कह रहे मैं ठीक कह रहा सर मैं एक दिन शहनशाह डाकू का पीछा कर रहा सा ते लड़की उसे मुझे करती सी लड़की अपने सिर ते मेरी दिती हुई इज्जत रखने तो पहले दस कौन है तू बेटी ए ना तेनू मैं दिता सी अपना दिता ना वापस लेना आयो गलती का एहसास हो जाए ते दित्तियां चीजां वापस लेनिया पैंदियां ने तुसे किसे को लुकी सुने तू कोठे ते जन्म लेने वाली तो आजादी है नचना तेरा पीछा है दस तेरा मिशन की है इज्जत दी और लेके तू नवाब अजहन तक किस तरह पहुंची उनने तेनू अपने मरे दोस्ती ती क्यों जाहिर किया ते तेनू मुंह बोली ती कहते मैंने क्यों मजबूर किया तू माशरे दी मुजरिम होके कानून दे वापस देकर बना लेने की जरूरत किस तरह की थी ऐसा डीआईजी साहब के मैंने होर जुर्म करन तो बचाने वाला सिर्फ कानून का मुहाफिज ही हो सकता थी मैं कुंगरू बने नवाब अच्छन जे फरिश्ते दी गल सुन के मैं कोठे दी पौड़ी लथी तुसा ती दा नाम लिया ते तुहाडे नाल डुल पई मैनू जिन्हें मराई मैं ओहदी बनी इस लई कि मैं औरत सां ते ऐ दुनिया ते औरत नूं इज्जत देण या बदनाम करन वाला खुदा या फरिश्ता नहीं सिर्फ मर्द हुंदा मैं कौन ते की आ ऐ जानना चाहते हो ते गुलजार भाई दे कोठे ते चले जाओ मैं कुछ नहीं जानती डीआईजी साहब कुछ नहीं जानती कौन है तू वही वो नशा लाती भर के सारा शांति नहीं तो भर के जाओ पैसे भाई देंगे अभी मुंह चुके लगे आते हो मेरा मतलब जनाब काकी वेख के दूजी काकी स्टार क्लब नहीं चाहते हुकम करो साहब जी कनीसले की हुकम है तू तवायफ है ते मैं कानून जिवें तमाशबीन तवायफ नू फरेब नहीं दे सकता एन जी कोई मुजरिम कानून नू भी धोखा नहीं दे सकता मैनू तवायफ दी जबान च नहीं एक मां दी जबान च दस के शहजादी दा तेरे नाल की रिश्ता है जी ओ मेरी धी जी नहीं जे ओ तेरी धी होंदी ते तू उनू वेचन दा सौदा कदे ना करदी साहब जी तवायफा ने ते हमेशा तियां दे सौदे कीते ने मैं सवाल तवायफ नू नहीं एक मां नू कीता है दूजी वारी जवाब देन तो पहला ए सोच नहीं के कानून मुजरिम दा राज जबान ते लियाना चंगी तरह जानता है जनाब ओते मैं तेरी कम दी हुई जबान ने मैनू मेरे सवाल दा जवाब दे दिता है हुण तू मैनू सिर्फ ये दस के तू उस मासूम नू कित्थों चुकिया किदे कोलों खरीदिया नहीं नहीं साहब जी ये झूठ है मैं उन्हूं किसी कोलों नहीं खरीदिया ते ना ही उन्हूं चुकिया ओदी कहानी सिर्फ इनी है आ,
नहीं नहीं साहब जी, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। ठीक है। बेटी, अज तकदीर ने 18 वरिया दे दिते दुख वापस ले लेने, मेरी पिछाड़ दे पै पर्दे ले गए ने। बेटी, गुलजार बाई दे मुंह तेरी कहानी सुन के मैनु यकीन आ गया कि तू मेरी धी है। अज मैं तेरा सिर कजना। बेटी, मेरा सिर नंगा ही रहने दो डीआईजी साहब, मैं तबाही मचा दी हूं। नहीं बेटी। हाँ डीआईजी साहब, मुजरिम होके मैं कानून दे मुहाफिज दे कर पनाह लेने की जुरत की थी। खुश नसीबी सी बेटी। ऐनो खुश है जी साहब, मेरे ते इल्जाम ला कुंगरू बन के नशा मेरा पेश है। ओ मेरे किसी गुनाह का कफारा सी। मैं गुनाहगार ते तुसी पुलिस दे अफसर हो, ते पुलिस एक बारी जिदे ते इल्जाम ला दे उन्हें बेगुनाह साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं बेटी नहीं, मेरे जिस्म ते वर्दी ना वेख, मेरे सीने च तड़कता बाप का दिल वेख। दिल की चीजें मैं नहीं जानती, मैं शक्लां वेख के नचना सीखिया ते शक्लां वेख के नचदी रहांगी। हुण तेरे दिल च सोच भी आई ते मैं मर जांगा बेटी, मैं मर जांगा। मैनू मौत तो ना डराओ डीआईजी साहब, मैं जदों दी होश संभाली है हर राती मोई ते हर सवेर नू जिंदा हुंदी आई हां। सवाल जवाब हुंदे रहे ते कयामत दा दिन आ जाएगा, दलीला फिर भी नहीं मुकणियां। बेटी बेटी, मैं पागल बन के तेरे अगे हाथ जोड़ना, तू डैडी कह के मेरे सीने ना लग जा। बेटी, सीने ना लग जा मेरी बच्ची, सीने ना लग जा मेरी बेटी, सीने ना लग जा बेटी। डैडी, तेरी बच्ची, तेरी बेटी। तू इत्थे बैठ, मैं उस फरिश्ते का शुक्रिया अदा करावा जिन्हें मैनु मेरे जिगर का टुकड़ा मिला है। तुसी ये पेस क्यों बदल रहे हो? इस दुनिया च जिंदा रहने लई बड़े बड़े रूप बदलने पैंदे ने। पैदा इंसान होया सा ते हालात ने सुल्तान तो सुल्तान डाकू बना दिता, तुसी विछड़े ते शहनशाह डाकू बन गया, ते इस इलाके का डीआईजी मैं नवाब बच्चन दे रूप तो जानता है। ते जी हुण पता लग गया? कोई फिक्र नहीं, तुसी मिल गए हो ते तन लै के डीआईजी दी नजरां ते। अस्सलाम वालेकुम, मेरे ते नसीब जाग पे ने, तुहाडे दोस्त मेरे डैडी निकल आए ने। मैं रब दे सारे शुक्र दा सजदा अदा करन तो पहला अपने मौसम दी शक्ल वेखना चाहनी हां। प्लीज तुसी सौ काम छड्ड के सिर्फ 2 मिनट ही इत्थे आ जाओ। जी जी जी, शुक्रिया डैडी। मैनू 1000 फुल मंगा दियो, मैं उन्हां दे कदमां दे फुल निशावर करना चाहनी हां। बस तौल के लोड कर लिया जी डैडी। नवाब नू गिरफ्तार करन लई। ओ क्यों? मैनू अज पता लगा है बेटी कि ओ झूठे नवाब दे रूप च इक डाकू। नहीं नहीं, डाकू ते लुट्टा जांदे ने, उन्हां ने ते मेरे किक साथ एहसान कीते, लेकिन कानून ओदी गिरफ्तारी चाहंदा है। मैं ओदी जिंदगी चाहनी हां। जज्बात दे रोज बह के बेवकूफ ना बन बेटी। उस रिश्ते की गिरफ्तारी का तसव्वुर करने तो पहले ना सोच है ना डैडी, जिंदगी लैन का सवाल जो आया है, अगे हमेशा अकलमंद बदे ने, ते किसी नु जिंदगी देने की गलती जो की है हमेशा बेवकूफ ने की है। हमारे डीआईजी साहब, बेटी मुबारक हो। नहीं नहीं, तुसे तो क्यों आ गए हो? अरे बाप, खुद ही बुला के और खुद ही कह रही हो कि क्यों आए हो? बाबल मिलन की कोशिश पागल होके मैं अकलां वाले दे रमजा नहीं समझ सकी। कानून मैंने बसा के मारना चाहते हैं, मेरे डैडी तो गिरफ्तार करना चाहते हैं। गिरफ्तार करना चाहते हैं? लेकिन तुम्हारे डैडी तो हमारे दोस्त हैं। दोस्ती दा ए बैरूप ला दे सुल्तान, अज मैं शहनशाह ते नवाब बच्चन दे रूप च सुल्तान डाकू दी शनाख्त कर लिए। दोस्ती नु राज चो हटा के कानून ते डाकू नु आमने सामने ना लियाओ, दोवें कट्टे च लैणगे। अज तू नस के नहीं जा सकता। तुसा हमेशा कोशिश की थी है, पर रिपोर्ट मेरे फरार होने दी लिखी गई है, गिरफ्तार होने दी नहीं। I will shoot you। डैडी, फायर करन तो पहला अपने कानून दी सारी ताकत इकट्ठी करके गोली बना दियो, ते फायर
के दुनिया च मशहूर कर दियो कि एक इज्जत वाले अफसर ने गोली चलाई तो लाशा दौड़ गया नहीं गड़ी यह कानून के मुजरिम ने मैं थानों की मुजरम हाँ तुम दोवें मुझे मुका दियो तुम्हें बड़ी तरक्की मिलेगी तुहाडे कोल बड़े हथियार ते डी आई जी साहब उन्होंने माफ कर दियो खुदा दे वास्ते सिटी पुलिस स्टेशन एकी कर रहे हैं तालाब समेट रहे हैं ओ क्यों एनु हासिल करने लगी तो मैं तेरा पुत्र बनया सा तू मेरा पुत्र नहीं मां दी नजर कदे फ्रेम नहीं खा सकती पर तेनु धोखा देना मेरा कमाल है इनू पछाण नहीं सकी तो मेरे तो सुन ये मेरे उस भरा का पुत्र है जेड़ा तेन प्यार करता सी जिन्हों सुल्तान ने मेरे सामने मार दिता नहीं नहीं हां कौम ही था इस इंतकाम की अग सर सर के मैं दिता रहा अज तेन मेरे पिस्तौल की गोली ठंडा कर देगी सारी हकीकत खुल गई है फिर कंध खोल के सुन सुल्तान नू धोखा देने वाला जिंदा नहीं रह सकता पुलिस मेरे पीछे लगी है जब छेती में नाच चली है पर मेरा पुत्र मुकदरा जो है तो जरूर मिल जाएगा चल Yeah.
आप नु कानून दे हवाले कर दे शहनशाह तो नसला विचावे मेरी गोली तो तेज नहीं ना सकता। जे जिंदगी नाल प्यारी ते मेरा राह छड दे। कदी मौत ने भी जिंदगी दा राह छड्डे कानून दा मुकाबला कर सकता है पर अपने खून दा नहीं। यदि बां ते लिखा है नाम है पढ़ लिया ये मेरा पुत्र है मेरा पुत्र है मेरा पुत्र। नहीं नहीं मैं तेरा पुत्र नहीं हूं मैं सिर्फ कानून दा ही पुत्र हूं। इंस्पेक्टर नहीं डीआईजी साहब पुत्र कवो जेड़ा प्यू मिलन तो पहले भी यतीम सी ते प्यू मिलके भी यतीम हो गया। डीआईजी साहब सुल्तान आज अपने सारे गुनाह बख्शवा के टुर चलिया ताड़ी विछड़ी हुई थी तानू मिल गई है और मेरा विछड़ा है पुत्र मैं नहीं मिल सकिया। डैडी मैं माफ कर दे बेटे रिश्तेदार नाल कैदियों दी मुलाकात वक्त बड़ा थोड़ा है बड़ा।
इंस्पेक्टर मैं अफसोस लेकिन कानून रिश्तिया से जज्बात का मोहताज नहीं होता। अख जदों कर दिए बार सजना